Hello everyone, good evening, how are you today? Welcome back to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today, we are going to discuss on lecture number 1 of Biomolecule from class 12th. In this lecture, we will discuss about introduction of carbohydrate. This lecture is very, very important for those students who are preparing for GE or NEET this year. GE or NEET this year with academic or after academic. So let's start without delay. आज के इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बायोमॉलिक्यूल की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं. ये टॉपिक क्लास 12th से लिया गया है, बायोकेमिस्ट्री का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक में यदि आप अपने आप को कुछ कमजोरी महसूस करते हैं या ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, स्ट्रक्चर्स बनाना नहीं आता है, बायोमॉलिक्यूल बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है. इसमें मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जिसे आपको बुक से पढ़ना पड़े. हर लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है. एक एक वर्ड इसमें मैं आपका क्लियर करूंगा, चाहे आप जी मेंस दे रहे हो या एडवांस. नीट का कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा. और अगर आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं वो तो कवर हो ही जाएगा, क्योंकि एकेडमिक से तो बहुत आगे तक मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं. एक एक चीज ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगा, लिखाऊंगा, आपको सभी नोट करना है. और जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आए कि ये चीज मैंने क्या समझा दी, बिल्कुल समझ में नहीं आई, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूंगा. तो चलिए, सीरीज का फर्स्ट वीडियो आपको देखना है. इसमें मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन यानी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, आपको कितना पढ़ना है इसमें, वो सारा बताऊंगा. तो नोट कीजिएगा. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट. तो नोट कीजिए डेफिनेशन इसकी, ये 3 पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूं. पॉइंट नंबर 1 डालिए सबसे पहले. पॉइंट नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और सब्सटेंसेस दैट फॉर्म दीज ऑन हाइड्रोलाइसिस. देखिए, आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं, हिंदी में भी बता रहा हूं, इंग्लिश में भी बता रहा हूं, दोनों में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन तैयार करना है तो दिस डेफिनेशन इज बेस्ट. इसमें मैं कुछ और जोड़ूंगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और सब्सटेंसेस दैट फॉर्म दीज
ऑन हाइड्रोलाइसिस, या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोलाइसिस पर इस टाइप के यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं उन्हीं को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, राइट। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट को केवल डेफिनेशन से इतने से काम नहीं चलेगा, इसमें एक से दो पॉइंट आपको और दिमाग में रखना है, वो भी इसमें मैं नोट करा रहा हूं। तो आगे देखिए, एंड पजेस, एंड पजेस एटलीस्ट वन किरल एटम। साथ में और क्या याद रखना है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं, उसके साथ साथ ये पॉलीहाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड है इसमें एक किरल कार्बन का होना आवश्यक है, वन किरल कार्बन इसमें होना चाहिए, वरना वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। इतने से भी काम नहीं चलेगा, इसमें कुछ और पॉइंट्स दिमाग में आपको जोड़ना पड़ेंगे, तब आपका ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तो यानी ये क्या हो गया, एंड पजेस एट लीस्ट वन किरल कार्बन या वन किरल एटम, ये होना चाहिए। द अभी आपको बताया इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप अटैच होते हैं बहुत सारे, तो वो जो दो OH ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए वो भी इसको आपको याद रखना है। तो द सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप, द OH ग्रुप इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हेमी एसिटल और एसिटल, दैट इज द बेस्ट पॉइंट। यानी OH ग्रुप उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में यानी कार्बोहाइड्रेट के साइक्लिक स्ट्रक्चर में वो हेमी एसिटल या एसिटल के फॉर्म में अटैच हो। हेमी एसिटल और एसिटल का मतलब होता है एक ही कार्बन एटम से एक OH ग्रुप और उसी कार्बन एटम से एक OR ग्रुप अटैच हो, या दोनों OH ग्रुप अटैच हो तो उसे हम बोलेंगे एसिटल। दोनों OR ग्रुप जो अटैच हो या एक OR और एक OH ग्रुप अटैच है तब उसे हम हेमी एसिटल और एसिटल की सीरीज में लाते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने एल्डिहाइड और कीटोन्स में आपको हेमी एसिटल फॉर्मेशन बताया है, आप और डिटेल उसमें जा करके देख सकते हैं। तो ये आपकी हुई फर्स्ट पॉइंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी डेफिनेशन अगर आपको लिखना है या डेफिनेशन से क्वेश्चन आना है तो तीन बातें याद रखिए कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, एट लीस्ट वन किरल कार्बन एटम होता है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप हेमी एसिटल और एसिटल के फॉर्म में होता है, तो समझ लीजिए वो कार्बोहाइड्रेट है। और ऐसे इसका जनरल जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, ये भी आप याद रखिए, जनरल फॉर्मूला इज इक्वल टू सी एन एच टू एन का, सॉरी एच टू ओ हाइड्रोक्सी सी एन एच टू ओ का होल एन, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई फॉर्मूला आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला बन रहा है तो समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट है। ये है हमारा पॉइंट नंबर वन। सेकेंड पॉइंट में आपको कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर टू। कार्बो हाइड्रेट आर स्टोर्ड इन, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी
कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। ये नाम आपने सुना होगा, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एनिमल बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होते हैं एनिमल बॉडी के अंदर एज ग्लाइकोजन विच इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज हाईली ब्रांच्ड। Highly branched like amylopectin। ये इसमें होता है। किस रूप में कहा जाता है इसको? इसे बोला जाता है एनिमल स्टार्च, इस नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये बॉडी के अंदर स्टोर होता है और इसे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, हाईली ब्रांच्ड होता है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। तो लिखा ब्रांच लाइक एमाइलोपेक्टिन, राइट। अब इसमें आगे इसमें याद रखना है आपको, लाइक एमाइलोपेक्टिन इट इज It is found in liver, muscles and brain as well as in fungi and yeast। कहां कहां पाया जाता है एनिमल बॉडी के अंदर? लिवर के अंदर, ब्रेन के अंदर, सारी मसल्स के अंदर, और यहां तक कि ये फंजाई एंड ईस्ट में भी ये पाया जाता है। तो ये यहां पर आपको प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट कहां पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका यूज कब और कैसे होता है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो पॉइंट नंबर 3 और देख लीजिएगा। बॉडी इसे किस तरीके से यूज करती है, तो यहां पर मैं लिखूंगा द बॉडी रिक्वायर्ड ग्लूकोज। इसमें एक वर्ड और लिख दीजिए, When the body required glucose, the enzyme break glycogen to glucose।
जब बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होती है, तो ये एंजाइम्स के द्वारा ब्रेक होकर के ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी सिंपल सी थीम है, इसे आप तैयार कर सकते हैं। तो ये है हमारे 3 points ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये सबसे पहला इंट्रोडक्शन है। जब भी हमें बायोमोलिक्यूल पढ़ना हो तो हमें उसका इंट्रोडक्शन पहले जानना होता है, यानी पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान लें, उसके बाद हम पॉइंट्स को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। आज के इस वीडियो में बस मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ। आप नियमित रूप से 01 से लेकर के बहुत सारे वीडियो बायोमोलिक्यूल्स का एक एक पार्ट क्लियर करूँगा, आप ध्यानपूर्वक देखते रहना, आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। देखने के बाद एक एक चीज़ नोट कीजिए, कहीं भी प्रॉब्लम आने पर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। So thank you very much. Next video will be continued.